हेलो एवरीवन, इस ट्यूटोरियल में हम लोग जो है इफ़ स्टेटमेंट के बारे में सीखें। तो जावास्क्रिप्ट में काफ़ी सारे स्टेटमेंट्स होते हैं, जैसे बाकी सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में होती हैं, जैसे इफ़ एल्स स्टेटमेंट, व्हाई स्टेटमेंट, डू व्हाई स्टेटमेंट। इस तरह के काफ़ी सारे स्टेटमेंट्स होते हैं जो जावास्क्रिप्ट में अवेलेबल हैं, जिसे हम लोग यूज़ कर सकते हैं। और सबसे पावरफुल जो स्टेटमेंट यहाँ पर हैं वो इफ़ स्टेटमेंट, बिकॉज इफ़ स्टेटमेंट बहुत एक्सटेंसिवली यूज़ होता है एज़ कम्पेयर टू जैसे वाइल या डू वाइल। इस तरह के स्टेटमेंट बहुत कम यूज़ होते हैं, पर ज़्यादातर मैंने हमेशा देखा है कि इफ़ स्टेटमेंट जो है बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो यहाँ पर हम लोगों को इफ़ स्टेटमेंट बनाने के लिए यहाँ पर इफ़ टेक्स्ट लिखना पड़ता है, ओपनिंग राउंड ब्रैकेट्स या क्लोजिंग राउंड ब्रैकेट देना होता है, और एक ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट्स या क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट्स देना होता है। तो ये सेम फॉर्मेट हम लोग फंक्शन के लिए यूज़ करते हैं, पर इंस्टेड ऑफ फंक्शन कीवर्ड की जगह यहाँ पर इफ़ कीवर्ड होगा। और ये राउंड ब्रैकेट्स के अंदर हम लोगों को कोई ऐसा एक्सप्रेशन देना है जो कि ट्रू हो। अगर वो ट्रू होगा तो ये ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा, वरना हो नहीं होगा। अगर फॉर एग्जांपल जैसे मैं आ देता हूँ 1 इक्वल टू 2, तो यहाँ पर कोई आपको एक्सप्रेशन देना है इन दोनों राउंड ब्रैकेट्स के अंदर। एक्सप्रेशन का मतलब ये है कि जब आप उस लाइन ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करें तो कुछ ना कुछ वो रिटर्न करना चाहिए। तो 1+1 अगर मैं यहाँ पर लिखूँ और रन करूँ, यहाँ पर लिखो एंटर दबाऊँ, तो आप यहाँ देख सकते हो ट्रू बताया। तो इस तरीके से ये जो आउटपुट हो उसमें या ट्रू या फॉल्स, उस तरह का कोई ना कोई रिजल्ट होना चाहिए। यहाँ पर कंसोल लॉग करता हूँ, कंसोल लॉग ही, और मैं रन करूँ, आप यहाँ देख सकते हैं ही दिखाई देगा। वो इसलिए दिखाई दिया बिकॉज ये एक्सप्रेशन जो यहाँ लिखा हुआ है वो ट्रू हो गया, बिकॉज 1 इक्वल टू ट्रू है, तो इसलिए वो दिखाई दे रहा। अगर ये मैं इसको नॉट इक्वल टू करूँ और क्लियर करके रन करूँगा, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि आउटपुट दिखाई नहीं देगा। और उसका कारण ये है कि जब तक ये लाइन अगर ट्रू नहीं है तो ये ब्लॉक ऑफ कोड कभी एग्जीक्यूट नहीं होगा। ओके, सो यहाँ पर एक और, अगर मुझे इस सिनेरियो में कुछ और प्रिंट करना है तो मैं सिंपली यहाँ पर एल्स लिख सकता हूँ। ओके, तो यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि जब अगर ये लाइन ऑफ कोड अगर ट्रू नहीं है, ठीक है, तो ये ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट नहीं होना चाहिए, तो आप ये लाइन ऑफ कोड को एग्जीक्यूट कर लें। तो अगर मैं यहाँ पर कंसोल लॉग करूँ, रॉन्ग, और रन करूँगा, तो मैं देख सकते हो रॉन्ग दिखाई देगा, क्योंकि ये लाइन, ये जो एक्सप्रेशन यहाँ लिखा हुआ एक्सप्रेशन, ये फॉल्स रिटर्न किया, और क्योंकि वो फॉल्स रिटर्न किया तो ये ब्लॉक ऑफ कोड रन नहीं हुआ, बजाय ये रन हो गया, ठीक है, और हम लोग को यहाँ पर आउटपुट दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से हम लोग जो है बेस ऑन कंडीशन हम लोग जो अलग अलग ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, जो कि बहुत पावरफुल कंसेप्ट है प्रोग्रामिंग में, राइट। आप डिसाइड कर सकते हैं, ओके, अगर ये कंडीशन है तो ये ब्लॉक ऑफ कोड रन हो, अगर वो नहीं है तो ये ब्लॉक ऑफ कोड रन हो। इस तरीके से आप बहुत सारे सेपरेशंस कर सकते हैं अपने कोड का, और मेक श्योर कर सकते हैं आपका कोड तभी रन हो जब उनकी ज़रूरत हो। उसके अलावा हम लोग एल्स इफ भी होता है। एल्स इफ का मतलब ये है कि सबसे पहले वो इफ़ स्टेटमेंट को कंपेयर करने की कोशिश करेगा, उसके बाद में हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं एल्स इफ़। यहाँ पर भी मुझे एक और एक्सप्रेशन देना होगा, जो मैं यहाँ पर देता हूँ कि 2 इक्वल टू 2। ओके, और मैं अभी यहाँ पर क्लियर करके रन करूँगा, और यहाँ पर मैं अभी लिखता हूँ हेलो, और मैं क्लियर करके रन करूँगा, तो क्या देख सकते हैं अभी यहाँ पर हेलो दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि पहला एक्सप्रेशन जब आपने यहाँ देखा, ठीक है, तो वो फॉल्स निकला, तो ये लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। उसके बाद वो फिर यहाँ पर आया, उसने देखा क्या ये ब्लॉक ऑफ कोड यहाँ जो लिखा हुआ है, क्या ये ट्रू रिटर्न कर रहा है क्या, 2 ट्रिपल इक्वल टू, ऑफकोर्स वो ट्रू है, राइट, बिकॉज 2 इज़ इक्वल टू 2, तो इसलिए ये ब्लॉक ऑफ कोड रन हुआ। तो इस तरीके से वो एक एक लाइन बाय लाइन, एक एक एल्स इफ को जाकर देखेगा और कंपेयर करने की कोशिश करेगा कि उसके इफ़ में अंदर यहाँ पर जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है, क्या वो ट्रू रिटर्न कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर वो ट्रू रिटर्न कर रहा है कि, तो उसका करस्पॉन्डिंग जो ब्लॉक है यहाँ पर वो रन हो जाएगा। ओके, इस तरीके से आप मल्टीपल भी दे सकते हैं, जितना देना चाहे आप इजीली दे सकते हैं, और बेस्ड अपॉन जो कंडीशन यहाँ पर दिया हुआ है वो वहाँ पर एग्जीक्यूट होगा। अगर मैं इधर नॉट इक्वल टू दूँ, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ वर्ल्ड, और क्लियर करके रन करूँगा, तो आप यहाँ देख सकते हैं वर्ल्ड दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि पहले बार जब वो देखा 1 इज़ नॉट इक्वल टू 1, तो ऑफकोर्स वो ये ब्लॉक ऑफ कोड अभी रन नहीं होगा। उसके बाद वो यहाँ पर आया और उसने देखा 2 नॉट इक्वल टू 2, तो वो भी फॉल्स रिटर्न हो रहा है, इससे ये ब्लॉक ऑफ कोड भी नहीं रन हुआ। उसके बाद वो यहाँ पर आया,
उसने देखा 3 ट्रिपल इक्वल टू 3, ऑफकोर्स वो ट्रू रिटर्न किया, राइट। तो इसलिए अब ये ब्लॉक ऑफ कोड अभी यहाँ पर रन हो गया। तो उस तरीके से आप जो है else if स्टेटमेंट यूज़ कर सकते हैं और मेक श्योर करते हैं बेस्ड अपॉन कंडीशन अलग अलग स्टेटमेंट यहाँ पर रन हो। पर अगर यहाँ पर 3 ≠ 3 कर दो तो अब ये स्टेटमेंट भी फॉल्स हो गया। तो मैं क्लियर करके रन करूँगा तो आप देख सकते हैं कोई भी आउटपुट यहाँ पर नहीं दिखाई देगा, बिकॉज इस स्टेटमेंट के अंदर जो भी एक्सप्रेशन दिए हैं या इफ़ हो या एल्स इफ हो उसमें आप देख सकते हैं जो भी कंडीशन हमने दी हैं वो सब फॉल्स हो रहा है, राइट। जैसे 1 ≠ 1 तो इसलिए ये ब्लॉक नहीं हुआ, 2 ≠ 2 इसलिए ये ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं हुआ, और 3 ≠ 3 इसलिए ये ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं हुआ। तो सेम इफ एल्स के जैसे हम लोग यहाँ पर भी एक एल्स लगा सकते हैं। तो ये एल्स कब रन होता है, अगर उसके ऊपर जो भी इफ या एल्स इफ कंडीशन मैच ना हो तो ये ब्लॉक ऑफ कोड रन होता है। अगर मैं यहाँ पर दूँ कंसोल वर्किंग और मैं रन करूँगा तो इट्स वर्किंग यहाँ पर दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स है इसलिए ये ब्लॉक इग्नोर हुआ, ये फॉल्स है इसलिए ये ब्लॉक इग्नोर हुआ, ये फॉल्स है इसलिए ये ब्लॉक इग्नोर हुआ, राइट। बिकॉज इनमें से कोई भी कंडीशन मैच नहीं किया तो इसलिए उसने एल्स ब्लॉक को यहाँ पर एग्जीक्यूट कर दिया, इसलिए हम लोग को यहाँ आउटपुट दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से हम लोग जो इफ एल्स स्टेटमेंट को यूज़ कर सकते हैं, और मैं इंकरेज करूँगा कि आप यहाँ पर यू नो इस इफ एल्स स्टेटमेंट को प्रैक्टिस करें, देखें कैसे वर्क करता है, और यहाँ पर जो भी आप एक्सप्रेशन दोगे वो हिसाब से वो ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करेगा, राइट। तो यहाँ पर जो भी आप एक्सप्रेशन दे रहे हैं इसके अंदर वो कुछ ना कुछ रिटर्न करना चाहिए, राइट, ट्रू या फॉल्स में, तभी वो एक वैलिड एक्सप्रेशन होगा। मैं उम्मीद करता हूँ ये टोटल आपको पसंद आया होगा, और मैं आपको नेक्स्ट टाइम मिलता हूँ। बाय।